नमस्कार, आकांक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुड्डू झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवीपुर के धोबाना गांव में बिजली के करंट से एक ही परिवार के चार लोग जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना, कहा चार साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश करे सरकार। कौर्णिक कला केंद्र में धूमधाम से मनाया गया 28वां स्थापना दिवस, बाल कलाकारों ने दिखाई कलाकारी। और लीला आश्रम के पास दो ऑटो की टक्कर में एक जख्मी, निजी क्लिनिक में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया। जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय ने कहा कि सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं, सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार यहां के जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। आज चार साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर आज जनता मांग रही है उनसे हिसाब चार साल का, कि चार वर्षों में चार उपलब्धि ये मोदी सरकार जनता को पेश करे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे कि आपने इस देश को क्या दिया। झूठे वादे किए गए, लोगों को गुमराह किया, नौजवानों को बेरोजगार किया, ना बुलेट ट्रेन चली, न उल्टे नोटबंदी करके और जीएसटी लागू करके व्यापारियों और माता बहनों को, छोटे व्यापारियों को परेशान किया। ये इनकी यही उपलब्धि है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। और कांग्रेस पार्टी आज 26 मई को विश्वासघात दिवस के रूप में पूरे देश में मना रही है। हम इसके धरना के माध्यम से यह जनता को बताना चाहते हैं कि इन्होंने सत्ता हथियाने के लिए झूठे वादे करके हेन केन प्रकारेन सत्ता हासिल कर और सरकार के खजाने को लूटने का काम किया है। देवीपुर के धोबाना गांव में बिजली की करंट से एक ही परिवार के पति पत्नी और दो बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घायल डीलो पंडित रिंकू देवी, बेटी चांदनी कुमारी और बेटा सिकंदर पंडित का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घायलों के भाई ने बताया कि पूरे गांव में करंट आ चुका था और सभी कोई घर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन ये पूरा परिवार घर में सोया था, तभी छत से पंखा 5 वर्षीय सिकंदर पर गिर गया। देखते ही देखते घर में लगा बल्ब भी ब्लास्ट हो गया। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर में 11,000 का शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये हादसा हुआ है, जिसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है। ना हुआ, जो वही घर में जो कनेक्शन दिया था, जो ट्रांसफार्मर से लाइन गया था घर, घर जाने के बाद वही सब सोया था चार परिवार, मेरा भाई दिलो पंडित, बाबू, भतीजा, भतीजी। और तार जब घर में मैंने फॉल्ट किया, पूरा गांव फॉल्ट कर रहा था, लेकिन हम भागने चाह रहे थे, नहीं भाग पाए, तार गिर गया, जिसके कारण हम लोग जल गए, चार आदमी वहीं घायल हो गए, जिसमें कि इसमें बिजली विभाग वालों को मैंने प्रॉब्लम है, देखभाल नहीं कर रहा था। कौर्णिक कला केंद्र का 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कौर्णिक के फाउंडर पवन चौधरी और आर.एन. बोस लाइब्रेरी के अध्यक्ष संजय राय ने एक साथ दीप प्रज्वलित कर किया। कौर्णिक के स्थापना दिवस में कई बाल कलाकारों का भी जुटान देखा गया, साथ ही उनके द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण किया गया। मौके पर मौजूद फाउंडर ने कहा कि हम लोगों की इच्छा है कि यह संस्था पूरे राज्य भर में चले। वहीं लाइब्रेरी के अध्यक्ष ने बताया कि कौर्णिक को उनका साथ हमेशा मिलता रहा है। कौर्णिक संस्था का आज 28वां स्थापना दिवस है, तो हम लोग हर साल इस दिन को याद करते हैं और देवघर के कला संस्कृति के विकास के क्रम में जो हमारा योगदान रहा है उसको यादगार बनाते हैं। बच्चों के द्वारा पूरे प्रांगण में वृक्षारोपण कराते हैं और बच्चों को कुछ पारितोषिक वितरण करते हैं, तो आज वही करने जा रहे हैं हम लोग। इसी समय आज से 27 साल पहले हम लोग 4 बजे एक बच्चा को लेकर यह संस्था शुरू किए थे। आज 200 गरीब बच्चा यहाँ पे हर सप्ताह को पेंटिंग सीखता है और राज्य भर में हम अपना कला को बिखेरने का कोशिश कर रहे हैं। कौर्णिक का जो हम लोग लाइब्रेरी में हम देखे, हमारा पिताजी पहले प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के टाइम से शुरू हुआ, कौर्णिक आए हैं और तभी से वो कला को, देवघर में कला को प्रोत्साहन देने के लिए वो लगे हुए हैं। और पहले हम लोग देखते थे कि कौर्णिक
के यहाँ कुछ स्टूडेंट था, बहुत कम स्टूडेंट, अभी बहुत स्टूडेंट है, देखने से हम लोग खुशी मिलती है। और पब्लिक सिर्फ अपना कला का प्रोत्साहन देते हैं ऐसा बात नहीं है, हम लोग को राजनारायण बोस बंगला लाइब्रेरी को भी बहुत सहायता करते हैं, वो हमारे यहाँ आपका आर्ट का दीवार में बहुत पिक्चर उक्चर बनाते हैं, और हम लोग को रविंद्र जयंती या सरस्वती पूजा में वो अपने स्टेज बना देते हैं और बहुत सहायता हम लोग को करते हैं। वृक्षारोपण ये आज नहीं सदियों से ज़रूरी है, वृक्ष नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जीवन ही नहीं रहेगा तो इतना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी हम लोगों का जीना है उतना ही ज़रूरी वृक्ष भी है, वृक्ष के बिना हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। अभी हम लोग एक वृक्ष तो ज़रूर लगाएं अपने, और उसको पूरे तरीके से पानी दें, रखें, उसको बड़ा करें, तो हमको लगता है कि कितना वृक्ष लग जाएगा और पर्यावरण हरा भरा रहेगा, हम लोग भी सुखी संपन्न रहेंगे। कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रवक्ता आलोक दुबे ने प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार काम कर रही है और दोनों मिलकर जनता को धोखा देने में लगे हैं। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में रघुवर की सरकार में अपराध बढ़ा है। ब्यूरो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो जो भारतवर्ष का इंस्टीट्यूशन है जो क्राइम के मामले में रिपोर्ट जारी करती है हर साल, दिसंबर 22 दिसंबर 2017 को जो उसने रिपोर्ट जारी किया है उसका कहना है कि पूरे भारतवर्ष में झारखंड क्राइम के मामले में पहले स्थान पर खड़ा है और आदिवासियों के क्राइम के मामले में झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर खड़ा है। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ वो आप इसको देख सकते हैं। आप तीसरी चीज़ देखिए कि महिलाएं और बच्चियों की जान किस प्रकार, सबका तरीका एक है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और बच्चियों को जलाया जा रहा है, बच्चों को जलाया जा रहा है। 48 दिनों के अंदर में 65 बच्चियों को जो है वो जलाने की घटना हुई है। आप सोचिए कि आप कल्पना करिए कि आज बच्चियों को पढ़ाने का स्थिति नहीं है, आज बच्चियों को हम सुरक्षित कैसे रखें, और कहीं भी जो है आप पाकुड़ की घटना आपके पड़ोस में है, पाकुड़ की घटना, साहब की घटना, हमारे राजधानी में कई ऐसे घटना है, तो इस तरह के उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बमजी, आपने बाबा धाम का महाप्रसाद लिया क्या? हाँ हाँ, ये देखिए बाबा सिंदूर। आप ही लीजिए बाबा सिंदूर। बाबा धाम का नंबर वन सिंदूर, गंगा जल से बना, गंगा जैसा पवित्र, मोदी एंड कंपनी का बाबा सिंदूर। माउंट कामल हाई स्कूल, अ यूनिट ऑफ LMC ग्रुप ऑफ स्कूल्स बेस्ड ऑन ICSE दिल्ली बोर्ड। देर आर मेनी ब्रांचेस एट बिहार एंड आउटसाइड। एडमिशंस ओपन फॉर 2018 एंड 2019। क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 10। Our mission is to educate your child's heart, mind and spirit for an exceptional character and personality development. Smart classroom with interactive board and TV. Safe and student-friendly environment. Experienced and qualified staff. Bus facility. Address: Bela Bagan, Nandan Pahar Road, near Civil Court, Deoghar, Jharkhand. PIN number 814112. Contact number 9097803577853591808। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड राज्य पेंशनर समाज रांची के आह्वान पर देवघर जिला पेंशनर समाज ने स्थानीय कचहरी परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक के जरिए पेंशनरों को छठा वेतन के अनुसार पेंशन दिया जाना है, लेकिन बैंक वालों की मनमर्जी के कारण ये नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर समाज आने वाले दिनों में एक बैठक आयोजित करेगा। आज की बैठक में एक एक छः के पूर्व जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको छठे वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्रेड पे जोड़कर निर्धारण कर भुगतान करना है। एक एक छः से इसका डिसीजन कैट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, राज्य सरकार की भी चिट्ठी निकल चुकी है, लेकिन बैंक प्रबंधन
देने में आनाकानी कर रहा है। स्पष्ट चिट्ठी है, टेबल है, फिटमेंट टेबल है, सारा चीज है, लेकिन बैंक प्रबंधन देने में ऐसा कर रहा है कि जैसा लगता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय लागू नहीं हो, प्रजातंत्र नहीं है, ऐसा लग रहा है। इसलिए हम लोग 11 तारीख को राज्य का सामान्य परिषद की बैठक हो रही है, उस दिन हम लोग घोषणा करेंगे जिला पेंशनर समाज, हम किसी दिन धरना सत्याग्रह और आमरण अनशन पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बैंक प्रबंधन की होगी और जिला कोषागार पदाधिकारी की होगी। देवघर दुमका मुख्य सड़क पर लीला आश्रम के पास दो ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार जरमुंडी निवासी नरेश मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उसे बाहर रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना में नरेश मंडल का एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मोहनपुर के बसबुटिया गांव में आपसी विवाद में हुए मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए, सभी का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि फोन कॉल पर आपत्ति जताने के बाद मामला बढ़ गया और नौबत मारपीट किया गई, तभी कुछ लोगों ने टांगी रड और डंडा से वार कर दिया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं। फोन से झगड़ा हुआ सर, किचन में 4 आदमी थे, वो सब 13 आदमी आके पूरा मारपीट, फोन के लिए पूरा मारपीट हो गया। हाँ, मेरा पिताजी और एक मेरा भाई, वो सब नाम था, वो सबका संजय दिनेश और एक आनंद तिवारी और प्रकाश तिवारी, नरसिंह तिवारी, दामोदर तिवारी, राजेश तिवारी, यही सब था। सब मिलके हमको मारने लगे और बहुत सारा था, उस सबका नाम नहीं बता पाए। लेडीज सब सब थे और जेंट्स, कुल्हाड़ी रड पत्थर डंडा, हमको कुल्हाड़ी से मारा, पिताजी का रड से, मेरा भाई का डंडा से। रसीडी के अंतरिकादर में जमीन विवाद में हुए मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बताया जाता है कि जख्मी उमेश कुमार यादव की जमीन पर दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा था, जिसे मना करने पर उक्त व्यक्ति ने धारदार हथियार से सर पर वार कर दिया और जब उमेश बेहोश हो गया तो उसे वहाँ से दूसरी जगह फेंक दिया। इनका जमीन में जो है सो दो हाथ जमीन बढ़ा के तरी खुदाई कर रहा था घर बनाने के लिए, ये मना करने गए कि मेरा जमीन में हम घर नहीं बनाने देंगे, ये जमीन में पहले से विवाद चल रहा है। तो इनको भाई जबरदस्ती वो लोग मारना शुरू किया, सर में 3-4 जगह मारा तो ये बेहोशी गया, बेहोश हो गया, फिर उठा के इसको दूसरे जगह फेंक दिए इनको। तो हम लोग को गाँव वाले को किसी तरह वहाँ पता चला कि जो फलना आदमी मार के इधर फेंका है, तो हम लोग जाके उठा के इसको घर ले आए, घर से इसको तब थाना ले, थाना से वहाँ से रेफर करके इसको सदर हॉस्पिटल दिए। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए आकांक्षा न्यूज के साथ। नमस्कार। देवीपुर के धोबाना गांव में बिजली के करंट से एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना, कहा 4 साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश करे सरकार। कॉर्निक कला केंद्र में धूमधाम से मनाया गया 28वां स्थापना दिवस, बाल कलाकारों ने दिखाई कलाकारी। और लीला आश्रम के पास दो ऑटो की टक्कर में एक जख्मी, निजी क्लिनिक में चल रहा है इलाज। बमजी, आपने बाबा धाम का महाप्रसाद लिया क्या? हाँ, ये देखिए बाबा सिंदूर। आप ही लीजिए बाबा सिंदूर। बाबा धाम का नंबर 1 सिंदूर, गंगा जल से बना, गंगा जैसा पवित्र, मोदी एंड कंपनी का बाबा सिंदूर। माउंट कामल हाई स्कूल, अ यूनिट ऑफ LMC ग्रुप ऑफ स्कूल्स बेस्ड ऑन ICSE दिल्ली बोर्ड। देर आर मेनी ब्रांचेस एट बिहार एंड आउटसाइड। एडमिशंस ओपन फॉर 2018 and 2019। क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 10। Our mission is to educate your child's heart, mind and spirit for an exceptional character and personality development. Smart classroom with interactive board and TV. Safe and student-friendly environment. Experienced and qualified staff. Bus facility. Address: Bela Bagan, Nandan Pahar Road, near Civil Court, Deoghar, Jharkhand. PIN number 814112. Contact number 9097803577.
8535 9180।